नमस्कार मेरे भक्तों, विशाल शर्मा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। भक्तों, मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में आपके प्यार को आपसे मिला करूंगा। देखिए भक्तों, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और उसके साथ शादी करना चाहते हैं, अब करना चाहते हैं प्रेम विवाह, लेकिन आपके माता पिता नहीं मान रहे, तो देखिए आज की हमारी वीडियो बहुत ज्यादा खास होगी। हर एक लड़की के लिए भी खास है जो अपने माता पिता को मनाने के लिए लाखों जतन कर चुकी है, लेकिन आपके माता पिता हैं जो टस से मस नहीं हुए। तो आज की हमारी ये वीडियो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मेरा जो हर एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा उसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद इस्तेमाल कीजिएगा। क्योंकि हमारे इस समाज में, हमारे इस भारत में न जाने कितने लोग प्रयत्न तो करते हैं माता पिता को मनाने के कि उनका प्रेम विवाह हो जाए, लेकिन उनको मायूसी ही मिलती है, क्योंकि उनके माता पिता मानते नहीं और उनकी शादी कहीं और तय कर देते हैं और उनके साथ ही उन्हें अपना पूरा जीवन गुजारना पड़ता है, जो अधिकतर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल जाता है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और उसी के साथ शादी करना चाहते हैं, तो आपका फैसला क्या होता है? या तो आप ऐसे ही घुट घुट कर जीवन व्यतीत कर लें, या फिर भाग कर शादी कर लें। देखिए, अगर आप देखा जाए तो भाग कर शादी करना कोई आप एक अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कब तक आप अपने प्यार को छुपाएंगे, कब तक अपने भाग कर शादी करने के अपने माता पिता का दिल दुखाएंगे। हो सकता है इससे आपके माता पिता नाराज हो जाएं, आपसे फिर कभी बात भी ना करें। तो एक जो आपका फैसला है, एक गलत फैसला होगा। उपाय कीजिए, उपाय एक ऐसा उपाय हो जिससे आपके माता पिता भी मान जाए और आपका प्रेम विवाह भी करवा दे, तो वही उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हर किसी के जीवन में कुंडली होती है, उसकी एक दशाएं होती है, उसकी किस्मत होती है। अब वो किस्मत अगर चमकानी है तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो अपने दिए गए नंबर पर कॉल कर अपनी कुंडली जरूर चेक करवा लें, ताकि आप हम देख सके कि आपकी कुंडली में किसी प्रकार के कोई ग्रह दोष तो नहीं है, क्या योग सही से बन रहे हैं। अगर एक दूसरे के योग नहीं बन रहे तो देखिए इसके लिए आपको उपाय करने होते हैं, जिससे कि आप एक दूसरे के योग को बना सकें और प्रेम विवाह को कर सकें, तो ये आपके लिए कारगर रहेगा। अब नंबर दो में आता बताता हूँ कि माता पिता को मनाने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले अपने गुरुवार वाले दिन उपाय करना है। गुरुवार वाले दिन क्या करना होगा? आपने केले के वृक्ष की पूजा करनी है, भगवान विष्णु के मंत्राओं का जाप करना है। मंत्राओं को जाप करते हुए अपने पीले वस्त्र दान करने हैं, गरीबों में पीली चीजों का दान करना है, जैसे दाल, आपने चने की दाल को आप दान में दे सकते हैं। तो ये कार्य आपके योग बनाएंगे और इससे क्या होगा, प्रेम विवाह के योग जब बनने शुरू होते हैं, जब भगवान विष्णु की आराधना आप करते हैं और उनकी कृपा आपके ऊपर बरसनी शुरू होती है, तो प्रेम विवाह होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अतिरिक्त एक अन्य उपाय जो आपको कर लेना चाहिए वो है कि आपने क्या करना होगा, कोई भी मोली का धागा लीजिए, अपने माता पिता का नाम एक कागज पर लिख कर इस मोली का धागे को बांध कर आपने किसी शमशान में फेंक कराना है। ये कब करना है? शनिवार की रात करना होगा। ये उपाय भी कर दीजिएगा, रिजल्ट आपके सामने होगा, माता पिता भी मानेंगे, प्रेम विवाह खुद करवाएंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आए लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद भक्तों।